Come date me, bro. Date me. You want toxicity? Here it is. Hey guys, what's up? मुझे पता है स्टार्टिंग में शक्ल दिखा दी, बट कोई बात नहीं, एंड तक जरूर देखना। एंड में एक बहुत मस्त और बहुत जबरदस्त और जरूरी अनाउंसमेंट है, डू चेक इट आउट बाय द एंड ऑफ द वीडियो। सेकंडली, इंटरेक्शन वीडियो है ये। मुझे पता है सबको इंटरेक्शन पसंद नहीं होता, मतलब 90% लोगों को तो पसंद ही आता है, 10% हमेशा नाराज रहते हैं कि सेट कब आएगा। भाई सेट आएगा, सेट हर 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में। इट इज नॉट पॉसिबल टू रिलीज, प्लस लाइव शोज में कर रहा हूँ इसीलिए मैं थोड़ा रुक के निकालूंगा, बट आई विल कम आउट विद माय सेट इन नेक्स्ट ईयर। मोस्टली 2-3 सेट्स निकालेंगे पूरे, बट डू चेक आउट द वीडियो एंड सी यू एट द एंड। कौन मारा ये सिटी, कौन मारा ये वाला शो? नहीं है भाई, अलग है ये। एक बटन खुला बंद कर लो क्या? फ्रंट रो पे रिस्की। हेलो भैया, निक्कर, ये व्यू देखने आया हूँ मैं। और ये भी नहीं कि थोड़ी लंबी निक्कर, पीछे जाए जा रही है भाई इसकी। निक्कर यहाँ खत्म हो रही है, चड्डी यहीं है भाई बस। ये भाई मुंबई में है कॉन्फिडेंस, दिल्ली में लोग भाई पूरी जी जान से तैयार होकर आते हैं। जितना सुंदर लग सकता हूँ मैक्सिमम लग लूँ। ये देखो, जीरो एफर्ट। क्या करते हैं, व्हाट इफ आपकी उस पर लिखा है टी शर्ट पे, मतलब सवाल मैं करूँ जवाब आप देते हो, ये पता घर से रेडी होके आया है। इसको पता था निक्कर पे आएगा, बैठा भी स्ट्रैटेजिक लोकेशन में, इंसान की नजर ही पहले वहीं जाती है। ठीक है, सवाल मैं करूँ जवाब आप देते हो, सही है भाई। और डॉन वॉन हो क्या आप कोई, मतलब ऐसे एकदम आपने एकदम ही ऐसे डायलॉग में बात करी, पता है नॉर्मल बात कोई करता है ऐसे? सवाल आप करो जवाब मैं दूंगा। बॉस ऑफिस से पूछ रहे व्हाई इज दिस वर्क नॉट डन, सर सवाल आप करो जवाब मैं दूंगा। बीवी कह रही खड़ा क्यों नहीं, सवाल तुम करो जवाब मैं। आते ही गंद मचा दिया, एटलीस्ट 10 मिनट तो लगाना चाहिए था। अरे भाई आप भी निक्कर, वाह ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल व्यू राइट इन फ्रंट ऑफ मी। यहाँ निक्कर, यहाँ निक्कर, कोई ऐसी सुंदर टांगे है भी नहीं भाई, मतलब इतने हल्के हल्के झुरी झुरी से बाल आ रहे हैं इसके एकदम। सही है, यहाँ नहीं आते ना, यहाँ क्यों नहीं आते बाल, है ना? एक यहाँ से कहाँ से चले जाते, भगवान ने भी अलग आया, यहाँ गुच्छा गुच्छा, इधर गुच्छा, सारा ऐसे बनाया, ये एरिया खाली, ये कैसे रगड़ते रहते हैं ऐसे ऐसे ना। सही है भाई, कैसे प्लान बना शॉर्ट्स पहनने का आज? बहुत गर्मी थी, उतारो फिर ये भी उतारो, लेट्स गो बैक इन टाइम नाउ, पूरे नंगे घूम रहे हैं ऐसी ऐसी गर्मी है। सही है यार, पर उनकी टी शर्ट पे लिखा है व्हाट इफ, मतलब गूगल करो, आपने तो बोला था सवाल मैं करूँगा जवाब आप दो, ये क्या जवाब है गूगल करो, तो जब मुझे गूगल से सवाल लेना है। आप कहाँ करते हो भाई व्हाट इफ? सूरत में जॉब करते हो? खुद का है क्या है? इसका ना पूरा एटीट्यूड वो आ रहा है, डायमंड मर्चेंट हूँ भाई, मेरे के नीचे पैसा पड़ा है भाई, मैं ऐसे ही जवाब दूंगा भाई, तू जो बोलेगा मैं अभी खरीद लूंगा बता। ठीक है भाई कोई बात नहीं, अरे ये ह्यूमिलिटी चीज होती है, सीखी है आपने? नहीं, व्हाट इफ यू लर्न ह्यूमिलिटी समडे? भाई आप क्या करते हैं? है? लिखते हैं, और पढ़ता कौन नहीं? क्या है अभी खुद ही खुद लिख के खुद ही पढ़ रहे हो? काफी पढ़े लिखे आदमी। पैसा कमाने के लिए क्या करते हो, या खुद ही एक अकाउंट से दूसरे में ट्रांजैक्शन कर देते? वाह क्या लिखा, यू डिजर्व मनी, यहाँ घर बिका डाल दिस अकाउंट टू दैट अकाउंट। नहीं इन जनरल लाइक फादर आपके राइटर हैं,
कौन सा एनी शो दैट वी नो ऑफ छोटे सरदार नहीं ऑन कलर हिज फादर रोड सी आई डी तुम्हें लगता है कोई लूट गया बिचारी के अंदर से निकली है कुछ तो एक प्रॉब्लम क्यों सी आई डी आपके पापा ने कभी सी आई डी नहीं लिखा राइटर यार राइटर फैमिली आर्टिस्ट फैमिली हाँ मैम आपको क्यों लगा ऐसा भाई का हुज योर बॉयफ्रेंड दिस गाइस योर बॉयफ्रेंड है हुज योर बॉयफ्रेंड अच्छा विद यू ओनली ना ये घूम रहा कर भाई मेरी तो नहीं है कोई कर भाई मैं तो घर छोड़ के आया था ये पहुंच गई क्या जज कर दे मुझे किसने लिखा था आपके बॉयफ्रेंड के डैड ने सीआईडी लिखा था अच्छा आपने बोला हिज फादर रोट सीआईडी मैम आप थोड़ा धीरे बोलो मेरे को एक्सेंट समझ नहीं आ रहा किसके फादर ने लिखा सीआईडी वाह भाई परमानेंट जॉब बिल्कुल सरकारी नौकरी ये सीन कौन लिख सकता है एक लेजेंडरी बंदा दया दरवाजा तोड़ दो अभी भी लिखते हैं सर सीआईडी अभी क्या रिटायर्ड है हाँ जी सर भाई आप तो बड़े अच्छे इंसान हो अब शायद से हो आपकी गर्लफ्रेंड ही आपने आपको एकदम बम्बू दिलवा दिया पता है आपकी गर्लफ्रेंड ने पहली बार ये करा एक तिल्ला जा रहा था उठा के ये लो एक बोलता ना इंसान उड़ता तिल्ला ले लेता है इन्हें तिल्ला लेके ये ले कम डेट मी ब्रो डेट मी यू वांट टॉक्सिसिटी हियर इट इज यू वांटेड टू एंजॉय द कॉमेडी शो नाउ फकिंग एंजॉय द शिट ब्रो योर डैड रोट सीआईडी And ma'am, what do you do? If I may ask? Huh? You're a student. Where? Huh? USC? USC, Southern California. Southern California. Is it like one of the good? Is it like Ivy League or? Is the best film school in the world? Arjun Kapoor also went to best film school. What is the use? वापिस आके तो आपको बॉयफ्रेंड के पापा की ही जरूरत अंकल कुछ है क्या राइटिंग का काम USC is the best film school. You guys know about this? Regular job people, regular human being, भाई हमें तो पता नहीं घर पे दिक्कत है भाई पैसा कमाना है फिल्म स्कूल वाली बातें हम नहीं कर सकते That's nice, ma'am. कितने लाइक हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग ओवर देयर सो यू आर नॉट अ स्टूडेंट राइट नाउ समर वेकेशन बिफोर ज्वाइनिंग ओनली यूजुअली वेकेशन इज इन द मिडल ऑफ द कोर्स बिकॉज व्हेन यू आर टायर्ड फ्रॉम वर्किंग रियली हार्ड और स्टडिंग रियली हार्ड यू गेट वेकेशन विदाउट ज्वाइनिंग ओनली वेकेशन गौरव राइट नाउ After this vacation, I might or might not have gotten an offer from USC. Nice. Welcome to the show. But have you done any good work in the past, like that we are aware of? My boyfriend's dad was CIA. आपने ऑफर आपने वो जो एस ए लिख के भेजते हैं वहाँ पे? Any great works that you've done? My boyfriend dad's work with CID. यही है आपका अचीवमेंट भाई क्या डिसीजन लेना है बताओ फिर आपकी इच्छा है भाई आप दरवाजा तोड़ के बाहर निकलो जा रहा हूं मैं
सही है मैम, बट लाइक योर यू मस्ट हैव इसमें एडमिशन एकदम 12th पास या ग्रेजुएशन के बाद मिलता है, कैसे मिलता है? No, no, but then I'm asking what is the qualification required to enter? So you have studied outside or no? Like studied outside of India, have you ever studied? अच्छा 12वीं पास है क्या ये? भाई कोई पढ़ी लिखी लड़की है, चार पांच साल नौकरी कर ली उसने, अब शी वॉन्ट्स टू फॉलो हर पैशन, तो शी अप्लाइड ओवर देयर। अरे यार ये आजकल के बेटा बहुत कॉन्फिडेंस है आप। ठीक है बच्चों करो करो आग लगाओ पैसे। आप लोग ऐसे बुरा तो नहीं लगा मैंने थोड़ा मजाक बनाया? नहीं, यू ओनली डिड दिस मैम, You only did this to your boyfriend. क्या ये आपका वो है क्या, आपका डब्बा चब्बा? You know what I? You know the reference of this? हाँ, this girl, you have no idea the reference of this, right? No, watch me. जुदाई picture, right? जुदाई. You are going to a film school, you should know the reference of this. या तो भाई आपने क्यों बनाया इस बेचारे को बॉयफ्रेंड, इसकी लंका लगाने के लिए क्या? भरी सभा में इसका बाप सीआईडी लिखता था। कोई बात नहीं यार, मेहनत करी है आदमी ने जिंदगी भर यार, उसको मजाक ही उड़ाई जा रही है। भाई निकलो आप, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। Hi guys, I hope you like the video. If you like the video, then do subscribe to the channel. Secondly, most important announcement that I'll be doing my India tour now. November, December का tour है, मतलब 25 November से शुरू हो रहा है, 25 November, 26 November कर रहे हैं बैंगलोर में biggest show in Good Shepherd Auditorium. उसके अलावा mainly जो है 2nd, 3rd December को गुड़गांव में है 3 या 4 shows. और फिर 22 December से लेकर 30 December तक बहुत सारी cities में है. हैदराबाद 22 December है, पुणे 23 December है, 24 December मुंबई बैंड्रा में है, 28 को चंडीगढ़, 29 को नागपुर, 30 तारीख को मुंबई साउथ में है और 31 को दिल्ली में टूर एंड करेंगे। सो होप टू सी यू गाइस ओवर देयर। टिकट्स आर अवेलेबल ऑन बुक माई शो एंड देयर आल्सो इन माय इंस्टाग्राम बायो, बाकी फर्स्ट कमेंट में लिंक होगा। दोस्तों इंटरेक्शन वीडियो था, आई नो मेनली सेट जो है वो रिलीज करूंगा, अभी मैं टूर कर रहा हूँ बेसिकली, तो आई एम ट्राइंग टू मेक माई सेट इवन बेटर। सेट जो यूजली है मैं 3-4 महीने में एक निकालता हूँ, और मेनली इंटरेक्शन इज वॉट आई डू रेगुलर ऑन माई चैनल। सो यस, आई होप यू लाइक द वीडियो, सी यू इन अनदर वीडियो।